नमस्कार, जोबट के समर में आपका स्वागत है। जब से जोबट विधानसभा का उपचुनाव शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक लगभग हम हर रोज जोबट के समर के में आपको दिन भर की राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराते रहे हैं, लेकिन आज अंतिम समर है क्योंकि कल मतदान होना है। तो आज का समर इसलिए स्पेशल है कि बीते एक माह की तमाम राजनीतिक गतिविधियों का ब्यौरा इस समर में हम आपको देंगे। आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन जोबट में यहां कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने एक प्रदर्शन के बाद यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऐलान किया था कि अगर सुलोचना रावत को कांग्रेस से टिकट दिया जाता है तो वो विरोध करेंगे और कई पदाधिकारी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम था और इसका सीधा सा असर चुनाव पर अगले 48 घंटों में पड़ा, क्योंकि 3 तारीख आते आते सुलोचना रावत और विशाल रावत बीजेपी में शामिल हो गए। जब उनको लगा कि यहाँ पर उनका विरोध हो रहा है और अगर उन्हें टिकट मिल भी गया तो तमाम लोग बागी खड़े हो जाएंगे और उनको हराने की कोशिश करेंगे, तो वो बीजेपी में चले गए और इसी के साथ महेश पटेल का रास्ता साफ हो गया और कांग्रेस ने महेश पटेल को यहाँ पर टिकट देने का ऐलान कर दिया। तो उसके पहले बीजेपी में भी इसको लेकर कई समीकरण बने, चर्चाएं 3 तारीख को ये आई, 3 तारीख की रात को जैसे ही ये शामिल हुए सुलोचना रावत और विशाल रावत, कि दीपक चौहान जो कि नगर परिषद जोबट के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं, ये अफवाहें लगातार सोशल मीडिया पर जब ट्रेंड होने लगी तो 4 अक्टूबर वो तारीख थी जब दीपक चौहान ने अलीराजपुर लाइव से बातचीत के जरिए खंडन किया इस बात का कि वो बीजेपी को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में जा रहे हैं। तो 4 अक्टूबर को दीपक चौहान ने इस चीज़ का खंडन किया था। इसी के साथ 4 तारीख को ही एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ था भाभरा में, जब मंत्री ओपी सकलेचा माधो सिंह डाबर के आवास पर पहुंचे थे तो वहां पर माधो सिंह डाबर के समर्थकों ने सुलोचना रावत को टिकट दिए जाने का जम के विरोध किया और साथ में कहा कि माधो सिंह डाबर ही इस क्षेत्र के योग्य उम्मीदवार हैं, उनको ही टिकट दिया जाए। तो काफ़ी अप्रिय स्थिति वहाँ पर बनी थी। ये 4 अक्टूबर का घटनाक्रम था। 4 तारीख को ही जो मोंटी डाबर हैं जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं वो नाराज हो गए पार्टी के इस फैसले से और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे और बाकायदा जोबट पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म भी लिया और दाखिल कर दिया। ये बात अलग है कि बाद में मोंटी डाबर मान गए और पार्टी के साथ जुड़ गए और काम करने लगे। 4 तारीख को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महेश पटेल की ओर से हुई थी और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मांग की थी कि झाबुआ जिले में भी आचार संहिता लगाई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री झाबुआ में आकर कई ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं जिसका सीधा सा असर जोबट विधानसभा चुनाव के अभियान पर और परिणाम पर पड़ेगा। हालांकि इस मांग को आयोग ने खारिज कर दिया और झाबुआ में आचार संहिता नहीं लगी और यहीं पर मुख्यमंत्री ने कई ऐसे ऐलान किए 4 तारीख की सभा में जिसमें आदिवासियों को महुआ की शराब पीने, बनाने और आंशिक रूप से बेचने की छूट देने का ऐलान था, पैसा एक्ट की घोषणा थी और जो मुकदमे हैं छोटे बड़े वो वापस लेने का ऐलान था। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी और इसी की आशंका के चलते महेश पटेल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 6 तारीख को एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ कि जो निलंबित पटवारी हैं नीतीश अलावा, जिनको एक चेहरा माना जाता है युवाओं के आक्रोश का, वो निर्दलीय की हैसियत से नामांकन आवेदन लेकर गए और ये दावा किया मीडिया के सामने कि वो चुनाव लड़ेंगे और युवाओं और जनता की आवाज़ बनेंगे, लेकिन वो अपना नॉमिनेशन 7 तारीख को दाखिल नहीं कर पाए क्योंकि उनका इस्तीफा सरकार ने, जिला प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया और इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस्तीफा स्वीकार न होने से उनको आशंका थी कि उनका आवेदन तकनीकी रूप से निरस्त किया जा सकता है। 7 तारीख को ही सुलोचना रावत और महेश पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान दोनों पार्टियों की ओर से वरिष्ठ नेता यहां पर आए थे। कांग्रेस में महेश पटेल के साथ कांतिलाल भूरिया थे तो सुलोचना रावत के साथ कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुँचे थे और अपना नामांकन दाखिल किया था। तो आपको बता दें कि 7 तारीख को ही 7 पक्ष समाप्त हुआ था, नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई थी और 7 अक्टूबर को इसीलिए दोनों उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। दिल्ली के रूप में यहाँ पर सबसे बड़ा डेवलपमेंट 8 अक्टूबर को देखने को मिला,
जब दीपक भूरिया जो करावती भूरिया के भतीजे हैं और अपने आप को राजनीतिक वारिस कहते हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया निर्दलीय की हैसियत से। इसके बाद कांग्रेस में उठापटक चालू हुई, सियासत गर्मा गई, कहा गया कि अगर ये बागी के रूप में चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा। मान मनोबल का दौर शुरू हुआ, खुद कांतिलाल भूरिया ने इसकी कमान संभाली, विजय लक्ष्मी साधो साथ में थी, रवि जोशी साथ में थी और ये अभियान इनका मान मनोबल का चालू हुआ। 8 तारीख को गुजर गई लेकिन नीतीश अलावा अपना फॉर्म दाखिल नहीं कर पाए और 8 तारीख को ही जब नामांकन रैली हुई उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया और यहाँ पर महेश पटेल पर निशाना साधा, उनके पिता पर हत्या के आरोप लगाते हुए महेश पटेल को गुंडा करार दिया। तो इसी दिन महेश पटेल ने भी पलटवार किया और कहा कि गुंडे तो आकाश विजयवर्गीय हैं जो कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, क्योंकि बल्ला लेकर वो अधिकारियों को मारने दौड़े थे, न कि महेश पटेल। इसके बाद 12 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण थी, नॉमिनेशन की जांच के बाद 12 और 13 तारीख ऐसी तारीख थी जब नॉमिनेशन वापस लेने का समय था और 12 तारीख को दीपक भूरिया जिन्होंने नामांकन भरा था निर्दलीय की हैसियत से कांग्रेस की ओर से, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और कहा कि कमलनाथ ने उनको आश्वासन दिया है कि 2023 में वो उनको टिकट देंगे, इसलिए उन्होंने पार्टी के हित में अपना नामांकन वापस ले लिया है। चूंकि दीपक भूरिया एक वाहन रैली के रूप में नामांकन भरने आए थे, इसलिए दीपक भूरिया और 6 अन्य लोगों पर FIR दर्ज की गई थी एक वाहन रैली के रूप में आने पर। तेरह अक्टूबर को आते आते तस्वीर साफ हो गई कि जोबट के क्षेत्र में रण में कितने उम्मीदवार होंगे। नाम वापसी के बाद कुल 6 उम्मीदवार जोबट के मैदान में बचे थे, जिनमें महेश पटेल, सुलोचना रावत, दिलीप भूरिया, सरदार गणेश और 2 अन्य उम्मीदवार शामिल थे। 21 तारीख को सबसे महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने उदयगढ़, खट्टाली, उसके बाद भावरा और कठीवाड़ा में सभाओं को संबोधित किया, वोट मांगे, कहा कि उनकी सरकार ही आदिवासियों की हितैषी है, बाकी लोग आदिवासियों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी दिन उन्होंने रात्रि विश्राम काबरी सेल गांव में किया। भार सिंह भूरिया के यहाँ, जो कि BJP समर्थक सरपंच माने जाते हैं, उनके यहाँ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया और सुबह उन सबको न्योता दिया कि वो भोपाल आएँ और उनके आवास पर ज़रूर आएँ। 21 तारीख को ही कांतिलाल भूरिया और महेश पटेल ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि सुलोचना रावत और जो विशाल हैं वो BJP के एजेंट हैं और इसी के तहत वो चुनाव मैदान में आए हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश पटेल ने एक बड़ा आरोप लगाया 21 अक्टूबर को कि कलेक्टर SP BJP के एजेंट हैं और उनकी हत्या भी हो सकती है। ये सनसनीखेज आरोप था और इसके 1 घंटे बाद ही कलेक्टर SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और उसी के तहत काम कर रहे हैं, निष्पक्षता के साथ प्रशासन काम कर रहा है। इसी बीच जयवर्धन सिंह ने भी BJP इलाके का दौरा किया, जोबट आजाद नगर में उन्होंने जनसंपर्क किया और प्रचार प्रसार किया कांग्रेस के लिए। कठीवाड़ा में उन्होंने रैली की, आंबुआ में सभा की और वोट मांगे उन्होंने कांग्रेस के लिए। 25 तारीख इस पूरे अभियान में सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि 25 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और VD शर्मा BJP के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ 2 हेलीकॉप्टरों में आंबुआ आए। यहाँ उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि सिंधिया भाजपा या शिवराज भाजपा या VD शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा एक ही है, इसे कांग्रेस भ्रमित करने की कोशिश करती है और अपनी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए सुलोचना रावत की जीत के लिए उन्होंने वोट मांगे और कहा कि अगर सुलोचना रावत यहाँ से जीतती है तो BJP सरकार विकास की गंगा बहा देगी। इसी दिन महत्वपूर्ण सभाएं 2 कमलनाथ ने भी ली। कांग्रेस के लिए उन्होंने भाभरा में और उदयगढ़ में 2 जनसभाओं को संबोधित करते हुए BJP पे आरोप लगाया कि उन्होंने 15 सालों में मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार का बोलबाला था और तमाम घोटाले हुए। और 15 महीने की अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कमलनाथ ने कांग्रेस के महेश पटेल के लिए वोट मांगे थे।
26 तारीख को जीतू पटवारी ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में नगरी क्षेत्र का दौरा किया, रोड शो किया, वोट मांगे। बाबरा, अम्बुआ और जोबट में उन्होंने यहाँ पर जनसंपर्क किया, जनसंपर्क रैली की। जोबट के रण में सबसे बड़ी एंट्री चंद्रशेखर रावण की थी। बीटीपी के उम्मीदवार के समर्थन में चंद्रशेखर रावण 27 तारीख को उदयगढ़ पर पहुंचे और यहां से वो जोबट में रोड शो के जरिए आजाद चौक पर पहुंचे और यहां उन्होंने बीटीपी उम्मीदवार सरदार सिंह के लिए वोट मांगे। कहा कि अगर दलित आदिवासी आगे बढ़ेंगे तो समाज में समता भी आएगी, विकास भी होगा। गोविंद सिंह राजपूत एक ऐसे मंत्री थे जो लगातार इलाके में डटे हुए थे, लेकिन जब चुनाव प्रचार 27 तारीख की शाम को थम गया उसके बावजूद भी वो रात को जोबट की सड़कों पर तफरी करते नजर आए। नतीजा उनके खिलाफ धारा 188 IPC के तहत FIR हो गई और वो प्रदेश भर की सुर्खियां बने। 28 तारीख को एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट में कमरू अजनार जो कि नेता हैं कांग्रेस के उदयगढ़ के, उनको पुलिस ने एक मामले में उठा लिया। हालांकि कुछ ही घंटों में उनकी जमानत हो गई और उसके बाद कमरू अजनार ने पलटवार किया। 29 तारीख को आज अलीराजपुर से 417 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जिसमें 2,75,000 मतदाता इन पोलिंग पार्टियों की मदद से 417 बूथों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और देर रात को कल ही मतपेटियां फिर से जमा हो जाएंगी और 2 तारीख को मतगणना में जोबट को नया विधायक मिलेगा। तो ये पूरी समरी थी एक महीने के प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों की जो जोबट के समर में हमने आपको दिखाई। इस पूरी समर पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।